आज का टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देते हो, जब भी आप क्लोज टेस्ट देखते हो ना, आप घबरा जाते हो। बिल्कुल सही पकड़े हैं ना। तो आप क्लोज टेस्ट देखते हो, घबरा जाते हो और क्लोज टेस्ट नहीं बन पाता, तो आपको आज एक मेथड दे रहा हूं, क्लोज टेस्ट का मेथड दे रहा हूं कि क्लोज टेस्ट जब आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या करना है। आपके सामने एक पैसेज होगा, आपके सामने इस तरह का एक पैसेज होगा, और उस पैसेज को आप क्या करोगे, बनाने का जब भी प्रयास करते हो, जब भी आप बनाने का प्रयास करते हैं क्लोज टेस्ट को, तो आपके सामने क्या होता है, पैसेज होता है। तो आप पैसेज को क्या करते हो, आगे पीछे सोल्व करने का प्रयास करते हो, और होता क्या है कि आपसे कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। क्या होती है, तो सबसे पहले इस पैसेज को क्या करना है, सुनो गौर से, तीन मेथड दे रहा हूं, तीनों को फॉलो करना है। ये पूरे पैसेज इस तरह से लिखा रहता है, और यहाँ पे एक लाइन जो है, एक नंबर दे दिया, ऐसे ऐसे रहता है पूरा। फिर लिखा हुआ है, दो नंबर दे दिया, इस तरह से आगे बढ़ा, फिर तीन नंबर दे दिया इस तरह से, फिर यहां दे दिया चार नंबर, आगे बढ़ गया, फिर इस तरह से पांच नंबर आगे बढ़ गया। यही क्लोज टेस्ट का पैटर्न होता है। आपको करना क्या है, तो क्लोज टेस्ट का मेथड दे रहा हूं, फॉलो करो, एग्जाम में हूबहू यही से आएगा। एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, जहां भी क्लोज टेस्ट पूछता है, हर जगह इस पैटर्न पे होगा, और लगभग एक पैसेज पढ़ोगे, पांच नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसको ध्यान रखें। तो इसको पढ़ के क्या करना है, पढ़ने के बाद इस पैसेज को पूरा का पूरा पैसेज एक बार पढ़ डालें। पढ़ लिया पूरा पैसेज, पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, और फिर समझ में आ जाएगा कि पैसेज में कहना क्या चाहता है, ज्योग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिकल है। तो फिर ये हो गया पहला मेथड कि आपने पूरा पैसेज पढ़ना है। दूसरा काम करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ना, इसके आगे इसके पीछे पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स के आगे पीछे पढ़ना है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट दिया है तो वर्ब क्या होगा, वर्ब दिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा। हर पैसेज में ऐसे ही करना है। इस तीन मेथड को प्लस कॉमन सेंस प्रेपोजिशन कंजंक्शन का प्रयोग होगा, टेंस वॉइस होगा, तो ये आपके लिए क्लोज टेस्ट आसान हो जाएगा। तो यह चीज जब कर लोगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना तो आसान होगा ही होगा, साथ ही साथ एग्जाम पास करना भी आसान हो जाएगा। तो ये अपने दोस्तों को शेयर करना है जो क्लोज टेस्ट एग्जाम की तैयारी करता है, एमटीएस का फॉर्म भरा है, सीजीएल का फॉर्म भरा है, सीपीओ का फॉर्म भरा है, एसएससी का फॉर्म बना है, उसके लिए क्लोज टेस्ट का ये मेथड सबके लिए वरदान साबित होगा। आज मैं बनाकर दिखाता हूं आपको, प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। तो सबसे पहला काम कहा कि आपको मेरे साथ पूरा पैसेज पढ़ जाना है और पढ़ के चेक करना है कि आपसे बनता नहीं बनता। तो गौर से पैसेज देखिए, मैं पढ़ रहा हूं से, सल्वाडोर डाली अ प्रोमिनेंट स्पेनिश सुरियलिस्ट पेंटर इन फिग्रेस कैटालोनिया ऑन 11 मई 1904। ठीक है, डालीज फादर वाज स्ट्रिक्ट इन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रेन, अनलाइक मदर डाली हैड अ ब्रदर नेम्ड सल्वाडोर वाज बोर्न 9 मंथ्स बिफोर हिम and died of gastroenteritis when he was 5. Dali was taken to his brother's grave and was told that he was his brother's. अब यहां देखो एक पैसेज दिया है, पैसेज को हमने पूरा पढ़ डाला। अब पूरा पढ़ डाला, पढ़ने के बाद क्या करना है, हमने देखा कि पैसेज जो है वो पास्ट टेंस में जा रहा है, यहाँ वाज लिखा है, सब कुछ जो है यहाँ पे देखो हर सेंटेंस में पास्ट लिखा हुआ है, देखो गौर से, तो यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, यानी सारा सेंटेंस पास्ट टेंस का है। इसका मतलब है कि पास्ट टेंस का है तो पूरा पैसेज पास्ट हो जाएगा। अब देखो चुटकी बजाओ, आंसर निकालो बिना पढ़े, बिना पढ़े आंसर निकालो। पहला चीज यहाँ पे हैज प्रेजेंट का है तो हैज तो आंसर होगा नहीं, यहाँ देखो इज प्रेजेंट का है इज तो आंसर होगा नहीं, बच गया वाज और वर, वाज और वर। देख रहे हो टेक्निक, इस टेक्निक को फॉलो करो, आपका दिमाग का बत्ती जल जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही उठाया हूँ, आपके सीजीएल से, आपके एमटीएस से, आपके सीपीओ से, वही से क्वेश्चन उठाया हूँ और आपको दे रहा हूँ। ये पीवाई क्यू है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चे सल्वाडोर डाली, तो पहले मैंने कहा कि ये तुम्हारा सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो जल्दी से आंसर बोलो, फटाफट कमेंट करो, जल्दी से आंसर बोलेगा हर बच्चा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। आप भी शेयर करो, सुबह 6 बजे मैं आता हूं आपके लिए, आप भी शेयर करो सब बच्चे। तो देखो सल्वाडोर डाली, सल्वाडोर डाली सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, वर की वाज, तो बोलो आंसर यहाँ पे वाज होगा कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट। अरे नालायकों, इतना तो करो कम से कम, लाइक तो करो,
आंसर तो टाइप करो। आप ये देख रहे हो कि सर अभी हम छूट गए थे सुबह 6 बजे, हम देख रहे हैं 12 बजे, कभी देखो आंसर लिखो और बनाओ मेरे साथ, सीखो मेरे साथ, तभी इंग्लिश स्ट्रांग होगा, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। तो पहला का आंसर वाज हो गया, पैसेज पढ़ करके। तो सल्वाडोर डाली नाम है किसी का, वाज अ प्रोमिनेंट विख्यात, मतलब महत्वपूर्ण मशहूर स्पेनिश सुरियालिस्ट, स्पेनिश सुरियालिस्ट का मतलब होता है जो यथार्थवादी काम करता हो, यथार्थवाद सुरियालिस्ट पेंटर, यानी कि बढ़िया पेंटर था, है ना। दो नंबर देखो आंसर दो लाता हूं, ये पहला समझ में आ गया। क्वेश्चन टू देखो, क्वेश्चन टू कहता है कि इन फिगरेस ब्रॉट ब्रॉट बॉन्ड। अब यहां पे इन फिगरेस, अब दो नंबर क्या होगा जल्दी फटाफट आंसर बोलो, जल्दी से फटाफट जल्दी से। सल्वाडोर डाली वाज अ प्रोमिनेंट स्पेनिश सुरियालिस्ट पेंटर। अब देखो दूसरा का आंसर हो जाएगा, अब देखो रूटेड जड़ होता है, आंसर होगा नहीं। ब्रॉड का मतलब होता है ब्रॉड, ब्रिंग का लाना, ब्रॉड यहां देखिए ब्रॉड मतलब खरीदा, खरीदना तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बॉर्न। इनफिगरेस, इनफिगरेस जगह का नाम तो बॉर्न, बी ओ आर एन, ठीक है ना। कैटालोनिया में, कैटालोनिया ऑन 11 मई 1904। डाली फादर, डाली के पिताजी वाज स्ट्रिक्ट इन द एजुकेशन ऑफ ही चिल्ड्रेन अनलाइक मदर। अब देखो तीन नंबर फटाफट, तीन का सोचा हूं, तीन का देखो अनलाइक, अब अनलाइक ना पसंद करना किसका, उसके मां को, तो डायली अनलाइक, तो अनलाइक किसका दिया तो प्लुरल हो जाएगा हिज और हिम, तो हिज मदर, तो अनलाइक हिज मदर, तो क्या आंसर हो जाएगा हिज मदर। तो यहां देखा आपने इस तरह से काम को सही हो गया। डाली हैड अ ब्रदर नेम्ड सल्वाडोर, जल्दी से आंसर उठा, जल्दी से आंसर बोलो, फटाफट आंसर बोलो सारे बच्चों। तो क्या सल्वाडोर, चार बोलो, चार आंसर पे आ रहा हूं, चार पे आ रहा हूं, चार देखो फटाफट। सल्वाडोर हुज होम दैट पढ़ाया होगा आप लोगों को, वाज दिया है, सल्वाडोर तुम्हारा सिंगुलर है, नेम सल्वाडोर सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो यहां पे देना है हुज पजेसिव होता है, हुम ढूंढता है ऑब्जेक्ट को, और दैट लिविंग नॉन ही दोनों, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, हु दिखाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अरे बच्चों ध्यान दो, सल्वाडोर हु वाज बॉर्न 9 मंथ्स बिफोर हिम एंड डाइड ऑफ गैस्ट्रो इंटेराइटिस, आंत की बीमारी का नाम है गैस्ट्रो इंटेराइटिस नाम बीमारी का, व्हेन ही वाज 5। डाली वाज टेकन टू हिज ब्रदर्स ग्रेव एंड वाज टोल्ड दैट ही वाज हिज ब्रदर्स, अब बताइए फटाफट, ब्रदर्स इनकार्नेशन पुनर्जन्म, इनकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म, पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म लिया है, तो यही बात है ब्रदर्स पुनर्जन्म, भाई का पुनर्जन्म हुआ है, री इनकार्नेशन। इस तरह से इसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, पढ़ने का मन करेगा। अगला पैसेज देखो क्या कहता है, क्लोज टेस्ट पैसेज टू, यहां समझिएगा पैसेज टू की बात कर रहे हैं, अब यहां जाने का प्रयास करें फटाफट, इसको फिर से पढ़िए, आज का पूरा प्रैक्टिस कराने का मूड है, मेरे साथ करो सीखो। आ यंग मैन वॉक्स टुवर्ड्स मी विथ अ स्ट्रिक्ट स्लंग अक्रॉस हिज बैक एंड अ शिप ऑफ सिप एट हिज फीट विच कैरी हिम डाउन द पाथ, अ क्राउड ऑफ रॉडी चिल्ड्रेन एंड ओल्डर मैन फॉलोस, है ना, क्या है वेदर बॉर्न बट स्टील अ रिफल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, ही क्लिक्स हिज टंग टू द फ्लॉक बिहाइंड हिम एंड आर टू वुमेन ऑन हॉर्सेस आई गेस आर हिज वाइफ एंड डॉटर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन दिया है, अ यंग मैन वॉक्स टुवर्ड्स मी विद अ स्टिक स्लंग अक्रॉस हिज बैक एंड अ ऑफ सिप, ऑफ सिप, सिप का मतलब जल्दी कमेंट करो फटाफट, SHWP सिप मतलब बड़ा तो बदमाश हो गया है ना, तुमसे बात कर रहा हूं ध्यान रखो यहां, सिप का मतलब होता है भेड़, तो भेड़ के झुंड को आर्मी बोलते हैं क्या, आर्मी नहीं बोलते, भेड़ के झुंड को सोल बोलते हैं क्या, भेड़ के झुंड को होर्ड बोलते हैं क्या, भेड़ के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शिप क्या हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ शिप। तो यंग मैन वॉक्स टुवर्ड्स मी विद द स्टिक स्लंग अक्रॉस हिज बैक एंड फ्लॉक ऑफ शिप, तो क्या हुआ जवान आदमी टुवर्ड्स वॉक्स मेरी तरफ आ रहा था, ठीक है जी, टुवर्ड्स मी भी था स्टिक स्लंग एक जो है स्टिक डंडा को झुकाया हुए अक्रॉस पार कर लिया हिज बैक एंड अ फ्लॉक ऑफ शिप एट हिज फिट, तो एक भेड़ के झुंड को पार कर दिया, ठीक है, एट हिज फिट अपने पैरों से, विच कैरी हिम डाउन जो उसको ले रहा था, कैरी हिम डाउन द पाथ, द पाथ लाइक अ क्राउड ऑफ रॉडी लाइक अ, अब अगला क्वेश्चन देखोगे,
यहां पे दिया है लाइकनेस, लाइकली, लाइकिंग, तो चारों दिया है लाइक, लाइक अ क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रेन। क्राउड मतलब भीड़ था, क्राउड भीड़ था, राउडी मतलब हुआ कुछ नटखट बच्चे, बदमाश बच्चे। एन ओल्डर मैन, दो हो गया। तीसरा देखो, फटाफट देखो, तीसरा पढ़ते रहो। एन ओल्डर मैन फॉलोज, है ना, क्या भाई, वेदर बॉम स्टिल, बट स्टिल, वेदर बॉम एट स्टिल, फटाफट के आंसर क्या होगा। सारे बच्चे मिल करके इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, जल्दी से फटाफट देखो, बट स्टिल। अब देखो क्या बोला, वेदर बॉर्न बट स्टिल थिन, पतला तो होगा नहीं, फिर भी सिक, दुबला पतला, स्लो, धीरे नहीं, स्ट्रॉन्ग, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अ रिफल ओवर इज लेफ्ट सोल्जर, ही क्लिक्स इज टंग, जल्दी से बच्चे, ही क्लिक्स इज टंग टू। अब चार कहां से बोलो, चार यहां लेके आ रहा हूं, है ना, क्लिक टू टंग टू, बताइए फटाफट, क्लेम, इनकरेज, तो क्या करेगा, बट स्टिल टंग टू इनकरेज द फ्लॉक, इनकरेज करेगा, उसको बढ़ावा देगा, क्या करेगा, बढ़ावा देगा, है ना, बढ़ावा देगा द फ्लॉक को, भीड़ को, झुट को। बिहाइंड हिम, बिहाइंड हिम एट टू वुमेन और हॉर्सेस, आई गेस दे आर हिज वाइफ, दे आर, चूंकि आई गेस आर लगा यहां पे है, तो आर लगा है तो दिस होगा नहीं, ठीक है, देम हो गया ऑब्जेक्ट, दीज के साथ भी आर, दीज आर हिज वाइफ नहीं होगा, दे आर हिज वाइफ, तो दे आर हिज वाइफ सही आंसर हो गया। एंड डॉटर, वो उसके पत्नी थे और बच्चे थे, दे आर हिज वाइफ एंड डॉटर। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ करके आप आंसर बना सकते हो। मेरे से बड़ा आसान आसान पैसे दिया हूं ताकि आप सब बच्चे सोच सकते हो। जो वो कैब नहीं आता, आपके टास्क है डिक्शनरी में देख करके ढूंढने का प्रयास करना है, जो वो कैब नहीं आता। आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, देखो इंग्लिश सीखने के लिए अगर ये आपसे नहीं बन पा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो एक रास्ता आपको बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। और रास्ता ये है कि आप सारे बच्चे, जितने बच्चे हो, सबसे पहला काम ये करना है कि एक नंबर मेरा सेव कर लेना है, आपको नंबर जो है मेरा सेव कर लेना है, क्योंकि यह फोन नंबर है जो हमेशा आपके साथ रहता है। इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपके मुझसे बातें हो जाएंगी, और बात जब मुझसे कर लोगे तो आपको पता चलेगा कौन से बैच में पढ़ना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि एक बार बढ़िया से क्लास कर लो, डीएसएल में अच्छे से क्लास कर लो, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जब जरूरत हो कॉल करो, लेकिन इंग्लिश एक बार सीख लो। पैसेज आना चाहिए, क्लोजेस्ट आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, पीक्यूआरएस आना चाहिए, कॉमन एरर आना चाहिए, वोकैबुलरी आना चाहिए, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड्स हो, सब मैं पढ़ाऊंगा, वादा कर रहा हूं। सुबह के 6 बजे भीड़ जुटा लो, लाखों बच्चे का भीड़ जुटा लो, सबको शेयर करो ताकि मिलकर सब बच्चे पढ़ सको, मेरे साथ एक साथ ग्रुप में पढ़ सको। ये फोन नंबर है। अब जो है मैं बैच जो पढ़ा रहा हूं वो सुबह के 10 बजे, ध्यान देना, 10 बजे नया बैच, बिल्कुल न्यू फ्रेश बेसिक वाला बैच लेकर के आया हूं, लेकर के आ रहा हूं। ये तूफानी बैच नाम है, इंग्लिश बैच, तूफानी इंग्लिश फाउंडेशन बैच, कोई भी सीख सकता है 10 बजे से। फीस पे टेंशन मत दो, क्योंकि एक साल तक आपको समझाऊंगा, एक साल तक आपके साथ रहूंगा, एक साल वैलिडिटी है, दोबारा पढ़ो तिबारा पढ़ो, तो फीस यहाँ पे नहीं सोचना है कि 2000 लग रहा है, 1000 लग रहा है, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए, आपको करने के लिए 6 महीने तक कंप्लीट फाउंडेशन दे रहा हूं। इंग्लिश सिखाने का बैच है, लिखना, पढ़ना, बोलना, साथ ही एग्जाम भी कवर हो जाएगा। तो एक बच्चा जो क्लास 10th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, सबके लिए हो जाएगा। इंग्लिश क्रांतिकारी ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। यह ऐप इंग्लिश का क्रांतिकारी ऐप है, जबरदस्त ऐप है, इंग्लिश में बेहतरीन है, इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं है। तो यह ऐप इंग्लिश फाउंडेशन है, जल्दी से दोस्तों में शेयर करके डाउनलोड करिए, और 5 स्टार रेटिंग देकर के आप अपने आप को धनवान, भाग्यवान बनाए। इंग्लिश ऐप है, डीएसएल इंग्लिश ऐप, इसमें ट्रांसलेशन है, इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में न्यूज है, इंग्लिश में बहुत कुछ है, तो इसको फॉलो करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतरीन है, यह आपको मिलेगा जबरदस्त तरीके से। हर किताब पर, डीएसएल के हर बुक्स पर, 50% का डिस्काउंट है, हर किताब पर 50% डिस्काउंट। बेसिक किताब तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो बेसिक बुक मंगा लो। और यह किताब जो है लॉन्च किया हूं, मास्टरिंग इंग्लिश विद स्पोकन इंग्लिश, यहां पे डीएसएल से आप मंगाओगे तो मास्टरिंग वर्ड हट गया है, स्पोकन रिजन स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप दोनों किताब मार्केट से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, या नजदीकी बुक शॉप से मिल जाएगा, सेम किताब चाहिए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक ही किताब है दोनों। अगर आपको सिर्फ मिला है स्पोकन इंग्लिश, ऐसा मिला है इंग्लिश स्पोकन एटन स्ट्रक्चर्स या मास्टर इंग्लिश, तो दोनों एक ही किताब है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो मिल जाए घबराने की बात नहीं, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम,
टेलीग्राम सब ग्राम फॉलो करो, और येलो बुक कहा ही था आप सबको पढ़ने के लिए, वो कैब का एक ही किताब है येलो बुक, दूसरा कोई किताब नहीं है स्पोकन का, और रेड बुक घर बैठे क्या करोगे, है ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो यह किताब घर बैठे आप पढ़ें और ज्यादा परेशान ना हो।